जी, यहां पर कांग्रेस का कौन सा मंत्र इस बार सफल साबित हुआ है? पूजा जी, मैंने तो कल कांग्रेस भी की ही लहर दिख रही है। पूजा जी मैंने कल भी कहा, लोकसभा चुनाव से पहले मैंने जनवरी में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब भी मैंने कहा था कि कोई इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी की बात करो, अटल जी आडवाणी जी का युग अलग, ये मोदी की गारंटी मैंने किया, मैंने किया, इससे लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके पूरे देश में, और कांग्रेस नहीं जीत रही। मैंने कल भी कहा, आज भी कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस आ रही है तो पूरे देश में कांग्रेस छा जाती है अब तक। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक पार्टी है, मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी का एटीट्यूड है, मोदी जी का एम है, वो हारता चला जा रहा है। आज भी देखिए, अभी राजीव जी ने, शीतल जी ने बताया, किसान जो है पूंजीवादी व्यवस्था में किसानों को कोई स्थान ही नहीं होता, इनको अभी भी पूंजीवाद को प्रमोट, अभी इनको लेसन मिल गया 4 जून को, उसके बाद भी पूंजीवाद को प्रमोट करना है, उसके पीछे हट नहीं रहे। आपने देखा होगा मोदी जी का जो स्वभाव था पिछले 10 साल का, अभी स्वभाव में चेंज नहीं आया। वो जरूर है मुंह से हम नहीं बोल रहे, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी मैंने किया, इसको जरूर उनका दब गई आवाज, लेकिन ये जो एक सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया, अब जैसे जो भी फैक्टर से, मैं क्यों कह रहा हूँ कांग्रेस की बात की मैंने, क्योंकि कांग्रेस नहीं आ रही, बीजेपी और मोदी जी जा रहे हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन था वो मोदी जी की जो किसान बिल है उसके खिलाफ था, फिर 1 साल तक किसान बेचारे शहीद होते रहे, वो अपना एटीट्यूड लेके बैठे रहे, जितबे की मरने दो, कोई मरता है लेकिन मैं तो लाऊंगा, साल भर बाद जाकर के डर लगा, फटाफट ले लिए। जो पहलवान बेटियों का जो अब ये बात कर रहे हैं, संविधान की कोई बात क्यों करते हैं, संविधान इज लॉ, लॉ के हिसाब से FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है, बेटियों की दर्ज नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को दर्ज करानी पड़ रही है। तो ये सिस्टम सारी जो देश ने देखा उसको, अग्निवीर योजना तो राजस्थान और हरियाणा की बेल्ट के लिए तो बहुत जबरदस्त फ्लो था, उसपे भी राज्य नहीं हो रहे, इनको वापस रोल बैक करना चाहिए था पर नहीं कर पा रहे, नहीं हमने यूं कर दिया, हमने इतने लाख कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उससे क्या है, जनता परेशान हो चुकी। जब जिस जनता को आपने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पूरे देश को प्रताड़ित कर रहे हो, आप रात को नोटबंदी कर दी, हमारे पैसे लेने कोई लाइन में लग रहे हैं, फिर 2000 रुपए ले जाओ भिखारी, 2000 आदमी, तो जनता हिंदुस्तान की सेंटिमेंटल है, अगर आप उसको छेड़ोगे, आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आखिरी दिनों में कहने लग गए पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, दाल महंगी होगी तो मटर की दाल घट, ये खा लो वो खा लो, तो क्या जनता उससे चिढ़ गई। फिर मैं दिल्ली में था, आपको थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, तो 6 महीने भी नहीं हुए थे मोदी जी को आए, उस समय 2014 तो बड़ा टॉप पे चल रहा था ग्लैमर इनका, तो इन्होंने कहा पेट्रोलियम की पदार्थों की जो है कीमत कम हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, तो उसपे कहने लगे भाग्यशाली को वोट दो, भाग्यशाली को वोट दो, जनता कनॉट प्लेस पे बैठे बैठे उस चीज से उनके एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है ना, जो 2014 में उसका सामना आपने किया, आज वही उसका सामना बीजेपी कर रही है। एंटी मोदी नीति है, इनकम्बेंसी तो हमेशा से ही होती है, एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार होती है, लेकिन एंटी मोदी जी जो एम है, एंटी एटीट्यूड है, मोदी एटीट्यूड एंटी चल रहा है देश के अंदर, वो उसके कारण से ये सब स्थिति पैदा हो रही है। कांग्रेस की लहर चल रही होती तो कांग्रेस की 90 में से 80 सीटें आती, हम क्यों 50-60 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जीत जाएगा, अगर कांग्रेस की लहर होती तो जिसको खड़ा करते वही जीतता। तो हरियाणा में प्लस पॉइंट कांग्रेस का है, और ये भूपेंद्र सिंह जी हुडा का राजनीतिक चातुर है, ये सॉफ्ट जाट है, चौटाला जी उनकी जैसे हार्ड जाट नहीं है, तो दूसरी जातियां भी इनके साथ लग जाती है, और ऑर्गेनाइजर तो बहुत बढ़िया, राजीव जी ने बताया पिछले चुनाव में अगर 6 महीने पहले उनको कमान दे दी जाती तो पिछले चुनाव में भी परिवर्तन आ सकता था। तो अभी आपके सामने भी खड़ी रहेंगी ना, अभी तो सीएम फेस को लेकर, क्योंकि लास्ट मिनट में जाकर तो शैलजा जी ने भी मुलाकात की ना आलाकमान से। पूजा जी एक बात और है आपको मैं बताऊं, ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक पुलिसिया मिलिशिया फॉर्मेट देश में क्रिएट करने का प्रयास किया है कि भाई दूसरा कोई बन ही नहीं सकता, मोदी जी गुजरात में 3 बार बदल देंगे वही बदलेगा, वो बात अलग है, खट्टर जी को 9.5 साल फेल थे कि सक्सेस थे क्यों बदला, लेकिन कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक फोरम है, उसमें हमेशा से आप वरिष्ठ लोगों से भी आप पूछ लेना, 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री के दावेदार शुरू से ही होते हैं, ये तो डेमोक्रेसी, कोई चुनाव लड़ता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो नेतागिरी करने आता है तो उसकी इच्छा होती है मैं सांसद बनूं, फिर मिनिस्टर बनूं, फिर चीफ मिनिस्टर बनूं, ये तो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये मोदी जी ने 10 साल में इसको क्रश करने का प्रयास किया है, जो मोदी जी कहते हैं। और तस्वीर क्लियर हो जाएगी।